पांच दस मिनट बैठो, आंखें खोल कर देखते रहो एक जगह पर, और सवेरे सुनाया था, मन और बुद्धि दोनों चलाओ। देखो अगर ये फैन चलता है तो हवा फैलती है ना, तो आपके मन में अच्छे विचार चलेंगे, एकदम साइलेंस की शक्ति कहते हैं, अपने आप शांति नहीं मिले। फैन नहीं चलाओ तो हवा आएंगी, तो आपके मन ये दोनों अगर चलते हैं तो तन और मन शीतल, योगी वो जिसका तन मन शीतल, तो वाइब्रेशन फैलते हैं। तो फैन कैसे चलाएंगे, अपने आप से पूछो, मैं दोबारा बताता हूं, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप सवेरे सुना था, मेरे गुण मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परम धाम से, परम धाम में कौन है, सर्वशक्तिमान शुभ, पवित्रता का साधन, शांति का साधन, आनंद का साधन, ज्ञान का साधन, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, याद रहेगा। तो ये नंबर भूलना नहीं, ये पांच आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन नहीं तो परमात्मा चिंतन नहीं, देहधारी की याद आएंगी तो योग नहीं लगता। कैसे लगे, देखो अगर आपके मन में इतने फैन इधर हॉल में चलाओ तो एकदम साइलेंस हो जाएगा ना, तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन। ये फैन मन बुद्धि चलनी चाहिए, अच्छे विचार करो एकदम साइलेंस होगा, सबकी बीमारी सबके जो भी विघ्न है सब खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं भट्टी, हवन में तेल भी डाल दिया, गीली लकड़ी भी डाल दो वो भी जल जाती है। कोई कमजोर आत्मा भी इधर बैठा उसको भी ज्ञान शक्ति मिल जाएगी, लेकिन सभी के अंदर एक जैसे चलना चाहिए। कोई नींद कर रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, सर पांच दस मिनट पांच प्रश्नों का अच्छे विचार कराओ, चलेगा, कर सकते हो। किसी को तकलीफ है तो हाथ उठाओ, किसी को तकलीफ है ठीक है बस।